आइडिया है कि उसको ये रैंक कैसे मिला, ऐसा क्या किया गया, किसका रैंक आ गया उसमें? लास्ट ईयर मैं बिल्कुल आपकी जगह पे बैठा था दूसरे टीएनटी डिस्कशन मैच में, और मेरे को एक्चुअली कुछ स्कोप नहीं था, कुछ होप नहीं था, मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ बिल्कुल। मेरे को मतलब एम्स तो मेरे लिए बहुत हाई फाई, मतलब मेरे दिल्ली में रैंक 57 है एट प्रेजेंट, बट एम्स का पेपर हमेशा बहुत टेक्निकल बनाया जाता है, बिल्कुल क्लिनिकल होता है। एक तो 50% रिपीट्स जो आपके हमेशा सही होने चाहिए, एंड टाइम फैकल्टी ने पूरे के पूरे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करे, and I'm very thankful for this because controversial questions हमेशा से आते हैं इसमें, और हमें नहीं पता चलता उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, हम वहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, चूज फर्स्ट जैसे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए, एंड उनको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। वो फ्री के नंबर है, क्वेश्चन आपको पता है पूरा का पूरा, आंसर पता करना बस ठीक आंसर पता करना बहुत जरूरी है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल पूरी की पूरी फैकल्टी, एंड प्लस आई हैव इन रेगुलर कोर्सेज फर्स्ट टू ईयर्स, एंड बहुत बढ़िया डिस्कशन फर्स्ट टू ईयर्स के सब्जेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि फर्स्ट टू ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं थोड़े, उसमें क्लिनिकल कुछ नहीं है, ठीक है ना, और थ्योरी हमेशा मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे वहाँ और उन्हें गलत नहीं करना होता, फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा ठीक होते हैं, जिससे फर्स्ट टू ईयर्स की डिस्कशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द फैकल्टी। Because I would want Rishabh to say something. So 56 rank for India is a big number. अभी इस समय में क्योंकि इस साल का पेपर was very unpredictable. तो I think ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मेरा हमेशा से मानना रहता है कि ना numbers वगैरह जो है ना सब marketing की बात है, कि ना 56 rank अगर दो क्वेश्चन और ठीक करता और ऊपर जाता हो जाए, the court is done fairly well considering कि क्या situation थी पिछले साल के अंदर। नीट में इसको कैसा लगा कि कैसा पेपर है और बाकी कैसे ये उसके लिए तैयारी करें और क्या एक्सपीरियंस है? थैंक यू सर। बेसिकली नीट में जब क्वेश्चन का सारे कंसेप्ट बेस्ड है, तो कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, सारे कंसेप्ट होता क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि नीट में वन लाइन क्वेश्चन ज़्यादा है तो वो बेसिक्स उठा के पूछा हुआ था, तो वहाँ पर जो टेंथ की कोचिंग करी थी मैंने रेगुलर टू, तो वो बहुत काम आया, उसके नोट्स बहुत अच्छे बनाए गए थे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी क्वेश्चन करने में। 240 में से हम 220 क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल ही मतलब पढ़ाए हुए थे, कह रहे कि मतलब ये तो पढ़ाए गए हैं क्लास में, तो डेफिनेटली हेल्प तो मिलती है कोचिंग से। थैंक यू सर। अच्छा, मैंने एक तो चीज़ और पूछना चाहता हूँ, फिर हम लास्ट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उनका केंद्रीय चल रहा है, मैंने सिर्फ कुछ काम की बातें पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम टिपिकल जो स्टूडेंट पूछना चाहते हैं, फटाफट से ना अपनी गाइड बुक्स के नाम बता दें, कौन सी गाइड बुक्स मैंने पढ़ी थी और बिल्कुल बता रहे यही पूछना चाहते हैं लोग ना, और कुछ तो मेरा पढ़ना कैसे हो, मेरा पढ़ना तो हमें आता है, किताब बताएंगे कौन सी रेडियोलॉजी डॉक्टर सुमेश मेडिसिन डबल है, सर्जरी डबल है, फीस डबल है, ऑफलाइन ही साक्षर हो रहा, जैसे पीएमपीएसएम डबल है, माइक्रो डबल है, फार्मा डबल है, डबल है अरुण दरवाजा। मैंने एक्चुअली इसी लाइन में कई लोग से बात कर रहा हूँ, जैसे कि आजकल इंस्टीट्यूट अरुण दरवाजा इस मोर हेल्पफुल देन अदर होस्ट ऐसा पिछले दो तीन साल पहले उसकी बात भी नहीं हो रही थी, अब अच्छे किताब बता रहे हैं, तो उसमें से भी खासतौर पर पैर फार्मा में अच्छी है और फिजियोलॉजी
एक्चुअली मैंने तो कभी क्रॉस वगैरह फर्स्ट ईयर फिर भी कर ली थी, बट मेनली सो मैं रेटो रेट पैटर्न ही फॉलो करता हूँ, क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट पढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए मैं कहूँगा क्रॉस वॉल्यूम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस डांस के नोट्स जो फर्स्ट टू ईयर फर्स्ट टू क्रॉस के तो एक्सीलेंट नोट्स है, मतलब उसमें तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कहीं और से जरूरत नहीं है उसके लिए, क्रॉस भी तो जरूरत नहीं है। मैंने पूरी प्रदीप पवार सर जो जो मैम बहुत ज़बरदस्त नोट्स है उनमें कुछ कोई और से करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके अलावा एम्स पीछे एम्स के लिए तो आपको बस क्वेश्चन चाहिए और करेक्ट आंसर, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन है प्रॉपर क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्टली फ्रेम्ड है, बट आंसर उनके गलत है, पर पेपर 20 मिस्टेक्स तो है, मैंने खुद करेक्ट कर रखी अपनी बुक में और सारी प्रॉपर डिस्कस है टैम्स के पूरी क्लास में सब टीचर से प्रॉपर डिस्कशन करके फाइनल आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ ये इन क्वेश्चन में टाइम नहीं होता, ये स्किप करने होते और लेंथी क्वेश्चन आते हैं इसके। एंड मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है तो प्रेफर करना कि ऑनलाइन ही दो, क्योंकि लेंथी होते हैं, ऑफलाइन में वापिस नहीं आ सकते उस क्वेश्चन पे, तो वो पूरा दोबारा नहीं पढ़ सकते, तो ऑनलाइन है थोड़ा उसका पैटर्न चेंज है ऑनलाइन का, एक का वो एक बार मॉक में देख लेना, उसका एक बार देख लिया होगा अगर आपने, तो मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करूँगा। और मेरे हिसाब से रेट्रोग्रेड स्टडी ही बेटर है क्योंकि टॉपिक्स हमेशा से रिपीट होते हैं, माइसिलियम वेरिस शुरू से चलता आ रहा है, इस बार ये आया था एयर में बहुत टफ क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन माइसिलियम वेरिस आंसर अच्छा है इसका, बट उसमें वो है मतलब रिपीट तो होंगे टॉपिक्स वही रिपीट होंगे जो तुम्हें पढ़े पढ़ाए हैं, कोई नया जो नए आते हैं वो कोई नहीं कर सकता उनका, उनको छोड़ देना होता है मतलब, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन साइंटिस्ट के तो आते हैं टीचर क्वेश्चन उनको छोड़ देना होता है, बाकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करो जिसमें आप कर सकते हो, क्योंकि चार ऑप्शन है दो रूल आउट करते हो तुम दो में कन्फ्यूज जाते हो, अब दो में तो सही मारता बनते ही थे वो सही नहीं मारा सकते वैसे ही नहीं, वो तो भगवान से पढ़ो तक आप भगवान छोड़ देना। एक तूने एम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नंबर दो ऑनलाइन लिया था कि ऑफलाइन वर्जन लिया था, और ऑनलाइन वर्जन में जैसे चेंज हम कर सकते थे आंसर दे के फायदा था कि हम दोबारा दे सकते, मतलब ऑफलाइन वाला मेथड जो कुछ लोग ले रहे थे कि भाई एम्स में ऑनलाइन पता नहीं कैसा होगा, तो ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? इसमें सारे नए ही थे, ऐसे कितने सारे लोग जिन्होंने गाइड पढ़ी थी फिर भी नहीं आए, और कितने सारे जिन्होंने नहीं भी पढ़ी फिर भी नहीं आए, तो उसमें भी क्वेश्चन नए थे, तो जो उस दिन सोच पा रहा है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, और कोई चीज पे वो कोई ऐसा लगता है कि भूल रहा है उनको काम की बात बताना। सर नीट का अगर पैटर्न कंटिन्यू आना तो सर मेरे ख्याल से गाइड उतनी ज्यादा इफेक्टिव अब नहीं होने वाली है, क्योंकि अब जो टेस्ट होगा वो यही होगा कि आपने 5 साल में बेसिकली कितना अच्छे से पढ़ा था कंसेप्ट कितने की है, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलेज का कोई फर्स्ट ईयर का ओरिएंटेशन नहीं दे रहे हम लोग, ये तो उनको तो बता रहे 5 साल में क्या करोगे, वो कह रहे हो तो होंगे पहले किसी ने बताया और सब्जेक्ट वाइज तो डिटेल का नहीं है उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मेडिसिन सर्जरी छोड़ दो उनको हटा दो, जो जो सब्जेक्ट कर सकते हो दूसरा सब्जेक्ट पॉसिबल है खत्म करना सिर्फ उन्हीं को करो, मेडिसिन सर्जरी गाइनी बीट्स ये तो कभी होते ही नहीं खत्म, एक बार शुरू करोगे तो यहीं पे लगे रहोगे, फार्मा भी ऐसा ही है, तो इनको बहुत लिमिट करके बाकी जो सब्जेक्ट अच्छे से हो सकते हैं वो करो, और कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, हर किसी सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी के 2 आ रहे हैं, जो पैटर्न ये अलॉट करते हैं उसमें बिल्कुल मत जाना, और माइक्रो फार्मा एंड बायोकेमिस्ट्री ये तो अच्छे से नोट करके लाना है, ये
क्वेश्चन मार्क घुमा के आते हो ये आराम से हो सकते हैं सारे अटेम्प्टेबल हैं इनमें बिल्कुल रुकने लगे बाकी जो क्लिनिकल क्वेश्चन है वो तो वहीं सोचना पड़ेगा उसका कुछ नहीं है लेकिन जो हम जा रहे हैं लिमिट में उनको जरूर उनको नहीं छोड़ना हमारा मेन पर्पज ये है सबका यही होता है और गलतियाँ का मार्जिन होता है जैसे टीचर गलतियाँ हर कोई करता है मैंने भी गलती है उसमें तो वो तो बहुत ही होती है उनका कुछ नहीं कर सकते बट बाकी क्वेश्चन उनसे अटेम्प्ट करने और नए क्वेश्चन एम्स के लिए ये है नए क्वेश्चन डेफिनेटली अगर हम ठीक से करते हैं वो तो किसी को नहीं आता वहीं पर डिसाइड होता है मतलब टॉप 100 में 200 में आप आ रहे हो तो वो सब इक्वल है उन्हें बाकी सबने वहाँ जो सोचा है वो एग्जाम्पल दे सकता हूँ जैसे फॉरगॉटन नसल आई थी फॉरगॉटन नसल और रोटेट होता है अब मेरा दोस्त ने सोचा सब कि अपलाइरिस में तो 3-4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं एक यहाँ से फॉरगॉट हो सकती है मैंने तो याद है 3-4 साल से क्वेश्चन आ रहा है ये इम्पोर्टेंट मसला है वो लगता है इतनी क्वेश्चन मैंने सबसे पहले कर दिया उसका तो कितना ही सी तो बाकी तो वही पे डिवाइड करते हैं जो तुमने सोचा है थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर योर टाइम आई थिंक द रिजर्व बिग हैंड फॉर द ऑनेस्ट डिस्कशन थैंक यू